अयोध्या पहुंचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद ने राम मंदिर जन्मभूमि में रामलला और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जितेंद्र प्रसाद ने अयोध्या में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जा रहा है, पर्यटकों की भीड़ तेजी से बढ़ती जा रही है। इनकी सुविधाओं को लेकर अयोध्या की सड़कों के चौड़ीकरण के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम हो रहा है। अयोध्या नगरी जनपद माननीय मुख्यमंत्री जी के और सरकार के खास और सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। यहाँ की जो भव्य भगवान राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट और सड़कों का व्यापक रूप से निरीक्षण किया जा रहा है, आगे के सुझाव लिए जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मेरा आना यही इसी उद्देश्य से हुआ है कि आप लोगों से फीडबैक लेके जहाँ जहाँ जो सड़कों की ज़रूरत है, यहाँ कोई अगर सड़कों में कोई कमी है, उनको दूर करते हुए विभाग को निर्देश देते हुए आपको मैं यहाँ आश्वस्त करके कह सकता हूँ पूर्ण विश्वास से कि अयोध्या में कोई सड़क ऐसी बचेगी नहीं इस पे काम ना हुआ हो और लोगों का आवागमन सुदृढ़। वहीं लखनऊ और गाजियाबाद जिले का नाम बदले जाने की मांग पर जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि औपचारिक रूप से अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं मिल पाया है, जब प्रस्ताव आएगा तो उस पर कैबिनेट में विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। औपचारिक रूप से तो नहीं है, मगर कोई अगर आएंगे और सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी तो आगे निर्णय लिए जाएंगे। कुछ प्रस्ताव मिला अभी? मेरे संज्ञान में तो नहीं है, आगे अगर कैबिनेट के अधीन आएगा। वहीं अपने अयोध्या दौरे के दौरान जितेंद्र प्रसाद ने ब्राह्मण भोज में भोज और ब्राह्मणों से मुलाकात कर उनके गले शिकवे दूर करने की कोशिश की। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।